इस कल्प का निर्माण करने जा रहे उसका नाम है भल्लातक लवण। इस कल्प का उल्लेख चरक संहिता के रसायनाध्याय में मिलता है। इससे एक ही द्रव्य, एक ही औषधि द्रव्य को जिस विभिन्न संस्कारों के अनंतर शरीर में दोष साम्य या धातु साम्य प्रस्थापित करने हेतु किया जाता है, उसका यह उत्तम उदाहरण है। जैसा कि हम जानते हैं, चरकाचार्य ने सभी अवस्थाओं का मूलभूत वर्गीकरण संतर्पण एवं अपतर्पण के रूप में वर्णन किया सूत्रस्थान में प्राप्त होता है। अर्थात मधुर अम्ल लवण इत्यादि के अतियोग से उत्पन्न होने वाले विकार, अव्यायाम, दिवास्वाप, संपूर्ण, इनसे निर्माण व्याधियों में प्रायः संतर्पण की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था का प्रतिकार करके द्रव्य उपयोग में लाए जाते हैं वो प्रायः कटु तिक्त कषाय रस के दुषोष्ण होते हैं। इनमें भल्लातक यद्यपि मधुर रसात्मक है एवं वृष्य है, तथापि दुषोष्ण होने से शरीर में सभी स्तरों पे उपलब्ध आम का पाचन करके कफवात प्रदान संप्राप्ति का छेदन करके पुनः धातु साम्य प्रस्थापित करता है। इस कल्प में दूसरा घटक जो है वो है सैंधव। सैंधव यह भी लवण वर्ग का एक अपवादात्मक द्रव्य है। लवण होते हुए भी चक्षुष है, वृष्य है एवं विष भी है। तो इसमें ताजे पके भल्लातक चार भाग एवं सैंधव एक भाग, इनको लेकर हम अग्नि संस्कार करते हैं। एक बड़े मुंह वाले मृत्तिका पात्र में प्रथम नीचे का स्तर भल्लातकों का बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर सैंधव का डाला रखकर बाकी बचे हुए भल्लातक उस सैंधव को चारों तरफ से ढक देते हैं। इसके बाद उपलों की रचना की जाती है। कुछ उपलों के नीचे रखकर उस पर यह मृत्तिका पात्र रखा जाता है, तथा बाकी बची मृत्तिका हम लिंगाकार रचना करके रख छोड़ते हैं तथा ऊपर से अग्नि दे देते हैं। जब ही सभी उपले अपने आप जलकर स्वांग शीत हो जाए तभी मृत्तिका पात्र निकाल लिया जाता है। अब इसमें भल्लातक में अंतर्भूत एक स्नेह होता है। भल्लातक जलते समय उसमें से निकला हुआ स्नेह एवं अंदर स्थित मध्य में स्थित लवण, इनकी आपस में प्रक्रिया होकर भल्लातक लवण की निर्मिति होती है। अतः सैंधव स्वभावतः स्निग्ध है, भल्लातक भी स्निग्ध गुण युक्त है। दोनों ही द्रव्य मधुर विपाकी, मधुर रसात्मक, मधुर रसात्मक उष्णवीर्यात्मक तथा मधुर विपाकी है। लवण यह भी स्निग्ध है, भल्लातक यह भी स्निग्ध है एवं अग्नि संस्कार से निष्पन्न होने से भल्लातक अंतर्गत स्निग्ध सैंधव के साथ संयुक्त होकर हमें भल्लातक लवण की प्राप्ति होती है, भल्लातक लवण उपलब्ध होता है। अब कल्प की संगठना की तरफ ध्यान रखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर जिस किसी विकार में अग्नि की एकांतिक मंदता, उससे उत्पन्न स्निग्ध स्त्यान पिछिल सांद्र ऐसा आम उपस्थित हो, ऐसे सभी स्थानों पर इस कल्प का हम सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि कफज ग्रहणी प्रवाहिका, शुक्रगत जो भी कफ प्रधान दोष है, जैसे कहति सांद्र, समस्त कफ प्रधान, समस्त आम प्रधान, समस्त वात प्रकोप से परंतु स्तंभ से उत्पन्न हुई सभी व्याधियां, इनमें इस कल्प का सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। पराकोटि का अग्निमान देव, अजीर्ण विषूचिका, कफज ग्रहणी प्रवाहिका, कफज आर्ष, वात प्रधान शोथ, कफ प्रधान शोथ, यहाँ तक कि इस कल्प का उपयोग पुरुस्तंभ जैसे दुस्तर पंचकर्म निषिद्ध व्याधि में भी किया जा सकता है। कफ प्रधान लिंगनाश जैसी नेत्रगत लेकिन चिकित्सा के लिए दुष्चिकित्सा ऐसी अवस्था, इनमें भी इस कल्प का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सैंधव की गामिता चक्षुष या नेत्र की तरफ शास्त्र वर्णित है। ये एक अत्यंत निर्मिति में सरल के लिए अत्यंत सरल
अत्यंत प्रभावशाली पशुविकल्प है, जिसे प्रचार में लाया जाए तो उपरोक्त सभी विकारों में काफ़ी लाभ लोगों को पहुँचाया जा सकता है। इसमें एक औषधि निर्मित के समय में, निर्माण के समय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बल्लातक से उत्पन्न होने वाला धूम जो है वो दाहक हो सकता है। तो जिन व्यक्तियों को पित्त प्रधान प्रकृति हो या कोई पित्त की शिकायत हो या जिन्हें आतप सेवा उष्णोपचार सहन नहीं होते इन्हें इसका निर्माण करवा देना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्माण विधि, अब उपलों की रचना की जा रही है। जैसे दिखाई दे रहा है कि बल्लातक पूरी तरह से जल चुके हैं, फिर भी बल्लातक अंतर्गत जो स्नेह वर्तमान रहता है उसकी वजह से उपले जल जाने के बाद भी कुछ समय तक प्रक्रिया चालू रहती है। अब ये स्वांगशीत हो जाने पर ये निकाला जाएगा। बीच में जले हुए बल्लातक दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से जल गए हैं। आसपास का जला हुआ सब दूर हटा दिया गया है और बीच में रखा हुआ शराब अब अलग किया जाएगा। अब शराब बाजू में कर दिया है और अग्नि की वजह से वो टूट गया है। जले हुए बल्ला तक बाजू में दिखाई रहे और बाद बीच में शलाका के साथ सिंधव का स्वरूप दिख रहा है। जो सिंधव हमने बीच में रखा था उसके ऊपर बल्ला तक के तेल का पूरी तरह से संस्कार हो गया है और अब ये बल्ला तक लवण करके सिद्ध हो गया है। इसको सूक्ष्म करके हम चूर्ण स्वरूप में प्रयोग कर सकते हैं। न
नारिकेल लवण। अब इसके बाद नारिकेल लवण का निर्माण बताया जाएगा। नारिकेल लवण में नारिकेल प्रथम लिया जाता है, उसके उसे पूरी तरह छील के उसके तीनों आँख जो रहती है वो खुली की जाती है। अब इसमें से किसी एक आँख पे छेद निर्माण किया जाएगा और इस छेद में छेद से बाद में पूरण हो किया जाएगा। अतः अभी छेद निर्माण आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पे अभी ड्रिल मशीन चल रहा है वहाँ पे नारियल की आँख, उस भाग को आँख बोलते हैं। अब छेद हो गया है, इस छेद को बड़ा करते हैं ताकि पूरण विधि सरलता से हो सके। ये नारियल जो लेते हैं वो बड़ा होना चाहिए, इसमें पानी रहना चाहिए। अब भरते वक्त पानी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बाहर आता है। एक नारियल में 200 से 300 ग्राम तक सेंधव लवण हम भर सकते हैं। नारियल का वजन पहले 600 ग्राम था, अभी भरने के बाद ये नारियल का वजन देखेंगे। नारियल सेंधव पूरण के लिए तैयार है। पहले जो सेंधव उसमें भरना है वो सुसूक्ष्म होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी समा जाता है। और अंत में जब पानी बाहर आने लगता है तब थोड़ा जाड़ा सा जौकुट सेंधव उसमें भरना चाहिए। अभी सेंधव पूरण का विधि देखेंगे। नारियल को एक शराब में रखा जाएगा ताकि जो पानी बाहर आता है वो उसमें ही समा दिया जाएगा। बाद में चम्मच या कोई ऐसी उसके समान चीज लेके मुख के बाहर जमा हुआ लवण अंदर धकेल दिया जाएगा। अब ये लवण अंदर समा जाके नारियल का जो पानी रहता है उसमें घुल जाता है। इस सेंधव की अंदर वर्तमान भाव पदार्थों से संपृक्त हो जाता है। अंदर का नारियल सेंधव से संपृक्त हो जाता है। अब उसी विधि से बाकी नारियलों का पूरण संपूर्ण हो गया है। अब इनको पुट दिया जाएगा। पुट के लिए पहले नीचे एक उपलों का स्तर तैयार किया गया है, उसमें बीच में नारियल रखे गए हैं। अब इनके आसपास में बाकी जगह पे उपलों की रचना की जाएगी। अभी जो नारियल सब भरे हुए थे वो पुटाग्नि के लिए तैयार है और उन्हें उपलों के बीच में रख के ऊपर से पुट की रचना संपूर्ण हो गई है। अभी इसे प्रज्वलित किया जाएगा। अब इस पुट को प्रज्वलित किया गया है, इसकी अर्धवर्तुलाकार रचना है। भल्लातक लवण के समान ही व्यवहार में अत्यंत उपयुक्त दूसरी लवण कल्पना है नारिकेल लवण। अर्थात पक्को नारिकेल को छीलकर उसमें जब तक नारिकेल उदक सेंधव से संपृक्त न हो जाए इतना भरा जाता है। प्रायः बड़े आकार के एक नारियल में करीबन 300 से 400 ग्राम तक सेंधव समा सकता है। इस तरीके से नारियल को पूरा भर लेने के बाद उसे पुट में अग्नि दी जाती है। इसमें कल्पना यह है कि नारिकेल यह द्रव्य मधुर रसात्मक, मज्जागामी और रसगामी, रस का पूरण करने वाला है, रस का पीड़न करने वाला है। उसी तरह से सेंधव भी लवण रस का होते हुए मधुर विपाकी और लवण रस का अपवाद जैसे चक्षुष है, वृष्य है। तो नारिकेल एवं लवण इनके संयोग से अग्नि के साथ प्रक्रिया होने पर प्रथम नारिकेलोदक जलकर उससे लवण अप्लावित हो जाता है। उसके पश्चात अग्नि के आग से अंदर का नारिकेल की मज्जा, कोपरा जिसे हम कहते हैं, वो जल के उसका अंतर्गत जो स्नेह है उससे फिर लवण का अप्लावन होता है, जिसके अंत में हमें रस एवं मज्जा इन दोनों गामी ऐसे लवण की उपलब्धि होती है। अतः यहाँ पर लवण की स्निग्धता अधिक सूक्ष्म रूप में या अधिक वीर्यवान ऐसे हमें प्राप्त होती है।
नारिकेल लवण प्रायः अम्लपित्त में जहाँ धातुगत अवस्था जैसे भ्रम तिमिर मोह इत्यादि लक्षणों में या तो फिर शिरशूल जो आतप सेवा से या कटोरस से बढ़ता हो ऐसे रूक्ष पित्त की अवस्था में नारिकेल लवण का उपयोग अधिक लाभदायी सिद्ध होता है। इसी तरह से पित्त के अजीर्ण में पित्त की कारण उत्पन्न हुए अन्य व्याधियों में पित्त प्रधान चक्षु विकारों में जैसे अभिछंद है जैसे इनमें नारिकेल लवण का उपयोग किया जा सकता है। नारिकेल लवण यह एक अत्यंत उपयुक्त परंतु उतनी ही अप्रचलित ऐसी दवाई है जिसका प्रदर्शन नारिकेल लवण इस कल्प की निर्मिति की प्रक्रिया का अवलोकन करने पर हमें इतना प्रतीत होता है कि नारिकेल लवण यह कल्प पित्तधरा कला अथवा पित्त का स्थान जो है उस पर अपना कार्य अभिव्यक्त करता है। जैसे कि सर्वविदित है पित्तधरा कला एवं मज्जा का आपस में समवाय संबंध है, यही वो पित्तधरा सही व मज्जाधरा इति। अतः पित्त प्रधान व्याधियों में जहाँ कहीं भी मज्जदुष्टि के लक्षण उपलब्ध हो जैसे चिरकालीन अम्ल पित्त में उत्पन्न होने वाला त्वचा में या पर्वों में एक लक्षणता अथवा भ्रम तिमिर दर्शन इंद्रियों का मोह आतप सेवादिकाओं से होने वाली व्याधि की वृद्धि इनमें नारिकेल लवण का उपयोग समान काल में घृत के अनुपान से यदि व्याधि उग्र हो उसके साथ पांडु जैसे लक्षण वर्तमान हो तो दाढ़िमादि घृत के अनुपान से प्रायः लाभदायी सिद्ध होता है। पित्त के द्वारा रस की क्षीणता में यदि नारिकेल लवण का प्रयोग करना हो तो उसमें नारिकेलोदक अथवा आंवला मुरब्बा उसका आंवले मुरब्बे की चाशनी इनके साथ उसका प्रयोग किया जाता है। आशाप्तर्ष दाह की स्थिति में जहाँ हस्तपात दाह हो ऐसी स्थिति में नारिकेल लवण का उपयोग भी उतना ही प्रभावी सिद्ध होता है। उसके साथ अनुपान गुलकन जैसे अनुपान द्रव्य किए जाते हैं। नारिकेल लवण की निर्मिति में हमें खास करके उपलोक की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि नारिकेल लवण में यदि आँच कम पड़ती है या उपलोक की संख्या कम पड़ती है तो जो कपिश वर्ण आना चाहिए उसकी जगह नारिकेल लवण आधा कच्चा काला जैसा उपलब्ध होता है जो गुणों में कुछ हीन होता है, असंजात रस जिसे हम कहते हैं उस तरीके का होता है। नारिकेल लवण में दो प्रघात हमें दिखते हैं, कोई लोग उसमें केवल जो लवण उपलब्ध होता है वही लेते हैं तो कहीं जगह पर उसकी जली हुई नारियल की जली हुई मज्जा भी लवण के साथ ली जाती है एवं दोनों को इकट्ठा घोट कर उसका प्रयोग नारिकेल लवण के स्थान में किया जाता है। ये दूसरा पर्याय जो है वो अधिक व्यवहार्य एवं गुणों की दृष्टि से अधिक गुणकारी प्रतीत होता है। अर्क लवण नारिकेल लवण के समान ही इसी में इस कल्प में सेंधव का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस विधि में इस लवण में सेंधव सिद्ध करने के लिए आग के पत्तों का उपयोग किया जाता है। आग के पत्ते लेकर उनको बारीक पत्थर से कल्क बनाना है। इस कल्क को शराब में रख के सेंधव उसके साथ विमिश्र करके शराब संपुट को कपड़ा मट्टी करके फिर इसको कुटाग्नि देना है। ये इसकी सरलता से विधि हुई। अभी इसका विस्तार से निर्माण देखेंगे तो पहले आग के पत्ते सामने है, ये ताज़े लेना ज़रूरी है और चुन के सड़े हुए नहीं चलेंगे। अच्छे पत्ते ताज़े रहेंगे तो गुण ज़्यादा अच्छे आते हैं। और कल्क बनाने से पहले थोड़ी देर पानी में रखेंगे तो कल्क अच्छी तरह से बनता है। कल्क निर्माण हेतु आग के पत्तों को पीसा जा रहा है। इनका कल्क जैसे बनता है वैसे एक एक शराब संपुट में उनको भर के बाद में उसके साथ सेंधव मिला के शराब को कपड़े में टिकी जाएगी। भल्लातक के समान ही अर्क विषय है, ऋषोष्ण है एवं सूर्य का प्रतिनिधि ऐसे कहा जाता है। सूर्य के जो जो भी नाम है वो सभी अर्क के नाम आयुर्वेद में वर्णित है। अर्क लवण अन्य लवणों के समान ही वात प्रधान पित्तानुबंधी अथवा वात प्रधान कफानुबंधी अथवा एकांतिक कफ प्रधान जैसे भल्लातक लवण हमने देखा कि एकांतिक कफ प्रधान अवस्था में प्रयुक्त होता है, उसी तरह अर्क लवण भी कोष्ठगत वात उदर जहाँ पर विबंध हो गुल में जहाँ पर अग्निमांड विशेष रूप से वर्तमान हो ऐसी अवस्थाओं में अर्क लवण का समान काल में प्रयोग लाभदायी सिद्ध होता है।